हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा सिक्स सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है ये, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेपर आज ही हुआ है, गर्ल्स में हुआ है, और यही पेपर आपको कल देखने को मिलेगा। तो आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो पेपर है इसमें से अगर आप इन 10 क्वेश्चन को अगर आप तैयारी करके जाओगे तो इनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे आपके पेपर में, इनसे मिलते जुलते, ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे और भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए जाएंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन किस तरीके से वो आप जान लीजिए। टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए, महिला शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषता क्या, विशेषता बतानी है 1986 की शिक्षा नीति की। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कूल छोड़ने की दर को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कैसे नियंत्रित करता है, यानी जो मिड डे मील है, जो स्कूल बच्चे छोड़ जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो जो मिड डे मील की वजह से क्या बच्चे स्कूल में रहते हैं, उसके बारे में आपको बताना, पूरा चैप्टर आपकी बुक में है। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, तीसरा है, वैश्वीकरण ने भारत में शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित किया। अगर मैं वैश्वीकरण की बात करूँ तो आज कई सारे प्राइवेट कॉलेज स्कूल खुल चुके हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने शिक्षा को ऐसे प्रभावित किया कि जो पैसे वाले लोग हैं वो अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, जो गरीब तबके का लोग है वो सरकारी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान यानी NCERT की भूमिका बतानी है आपको शिक्षा में। 5th क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की विद्यालय प्रणालियों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। विभिन्न प्रणाली मतलब एक तो आपकी रेगुलर होती है, एक सोल हो गई यानी ओपन, तो इसी के बारे में आपको बताना है। 6th है, सरकारी विद्यालयों में किन्हीं 2 योजनाओं के कार्यकरण का समलोचनात्मक मूल्यांकन करें। सरकारी विद्यालयों में 2 कार्यक्रम चलाए जाते हैं, 2 कार्यक्रम कौन से, पहला आपका मिड डे मील है, दूसरा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। 7th क्वेश्चन है, फर्जी विश्वविद्यालय के पनपने में उच्च शिक्षा प्रणाली किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो फेक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जब वो बनती है उससे क्या क्या चुनौतियां आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, स्टूडेंट को पता नहीं होता, उसमें एडमिशन करा लेते हैं, आने वाले टाइम पे उन्हें पता चलता है हमारी डिग्री फेक थी, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल क्या है। जो शिक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या क्या नियम बनाए, क्या क्या स्कीम चलाई, वो आपको लिखना है। उच्च शिक्षा में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा रूसा का क्या महत्व है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।